ठीक पढ़ा आप लोगों ने थंबनेल पर, टैक्सी का बिजनेस कैसे करें। दोस्तों जिस प्रकार ओला उबर इस समय मार्केट में जगह बनाए हुई हैं, इसी प्रकार आप भी अपने मार्केट में खुद का जगह बना सकते हैं। आप भी अपना खुद का टैक्सी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। टैक्सी इस्तेमाल करने वालों के बढ़ते ट्रेंड को देखकर टैक्सी बिजनेस करने का एक बहुत ही सेल्फ एम्प्लॉयड का इफेक्टिव तरीका है। अगर आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड की तलाश में हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो टैक्सी बिजनेस एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये बिजनेस कई तरीकों से किया जा सकता है, इसलिए आइए आपको इस विषय में जानकारी देते हैं और साथ ही आपको कुछ बातें बताते हैं जो आपको मदद करेंगी इस बिजनेस में सफलता दिलाने में। आज आपको 6 स्ट्रेटजी के माध्यम से इस बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ। एक एक स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। फर्स्ट स्ट्रेटजी, सही जगह का चुनाव कैसे करें। चूज द राइट प्लेस फॉर बिजनेस। दोस्तों टैक्सी बिजनेस शुरू करने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। आपको ऐसी जगह टैक्सी बिजनेस करना चाहिए जहां टैक्सी की डिमांड हो। दूसरा, जहां डिमांड होगी वहां इस बिजनेस में पहले से ही बहुत सारे लोग लगे होंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस स्ट्रेटजी के तहत उनके बीच अपना बिजनेस करने में सफल होंगे। ज़्यादातर बड़े शहरों में टैक्सी बिजनेस खूब चलता है, साथ साथ ऐसा शहर जो किसी टूरिस्ट प्लेस के आसपास का हो या खुद टूरिस्ट प्लेस हो, वहाँ पर भी टैक्सी बिजनेस सफल है। सेकंड स्ट्रेटजी, कीप योर बजट इन माइंड। सबसे पहले अपना बजट देखें, क्योंकि इस बिजनेस में आपको टैक्सी खरीदनी पड़ेगी, इसलिए आपके पास अच्छा बजट होना चाहिए। क्योंकि एक नई छोटी टैक्सी भी करीब 4 लाख तक पड़ती है। शुरू में ज़्यादा गाड़ियों शुरुआत न करें, जैसे जैसे बिजनेस बढ़े वैसे वैसे गाड़ियाँ बढ़ाते जाएँ। आप गाड़ी खरीदने के लिए बैंकों से या किसी फाइनेंस कंपनी से वाहन लोन ले सकते हैं। कुछ सरकारी योजनाएँ भी हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड को बढ़ावा देने के लिए लोन देती हैं। आप इसके लिए सरकारी योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले लोन के बारे में अपने आसपास के सरकारी बैंक से अधिक जानकारी लें। दूसरों की टैक्सी लेकर बिजनेस करने में ज़्यादा फायदा नहीं है। थर्ड स्ट्रेटजी, चूज द राइट टैक्सी मॉडल फॉर बिजनेस। सही टैक्सी का चुनाव कैसे करें। आप जो भी टैक्सी लेकर बिजनेस करने वाले हैं, वो टैक्सियाँ ऐसी होनी चाहिए जो आपके बिजनेस के हिसाब से हो या कस्टमर के हिसाब से कंफर्टेबल हो और लोग वैसी ही टैक्सी पसंद करते हों। साथ में आप जो भी टैक्सी अपने पास रखें वो ज़्यादा मेंटेनेंस वाली ना हो। मेंटेनेंस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आसपास की रोड को चेक करें, या फिर आप जो ड्राइवर रखे हों वो इस बात को समझे, क्योंकि ज़्यादा चलने से ज़्यादा मेंटेनेंस होगी, तो स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग जहां आपको सस्ती मिले वहीं से आपको लेनी चाहिए। अगर आप अपने आसपास सड़क पर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी का मॉडल टैक्सी के लिए सबसे अच्छा रहेगा। फोर्थ स्ट्रेटजी, चूज द वे टू रन टैक्सी बिजनेस। टैक्सी बिजनेस करने का तरीका चुने। दोस्तों यहाँ पर आप लोग किस कैटेगरी को पसंद करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इसमें काफ़ी तरीके से लोग अपना बिजनेस शुरू करते हैं। फर्स्ट, खुद की टैक्सी चलाना। दोस्तों इस तरीके में आप अपनी टैक्सी खरीदते हैं और उसका परमिट लेकर अपनी टैक्सी चलाना शुरू करते हैं। इसमें आपको कस्टमर खुद बनाने पड़ते हैं या फिर आप किसी टैक्सी ऑपरेटर, ओला उबर जैसी कंपनियों से जुड़कर अपनी टैक्सी चलाने का काम शुरू कर सकते हैं। जो आपको ग्राहक देंगी उसके बदले में वो आपसे कमीशन लेंगी। सेकंड, टैक्सी ऑपरेटर बनना। इस तरीके में आप अपनी कंपनी खोलकर उसमें बहुत सारी टैक्सियों को जोड़कर स्वयं एक टैक्सी ऑपरेटर बन सकते हैं। इसमें कुछ आपकी अपनी टैक्सी भी हो सकती है या आप किसी टैक्सी वाले को अपने साथ काम करने पर लगा सकते हो। थर्ड, टैक्सी लीज पर देना। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां या सरकारी कंपनियां या संस्थानों को अपने स्टॉप को लाने ले जाने के लिए हर दिन गाड़ियों की जरूरत होती है और वो लंबे समय के लिए टैक्सियां लीज पर लेते हैं। आप ऐसे ही किसी से जुड़कर भी आसानी से अपना टैक्सी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होता है। फिफ्थ स्ट्रेटजी, टेक नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट। सही लाइसेंस और परमिट प्राप्त करें। अगर आप खुद की टैक्सी चला रहे हैं तो फिर आपको अपनी टैक्सी का कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और इसमें आपको इंश्योरेंस और फिटनेस सर्टिफिकेट भी लेना होता है और अपना कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस लेना है और कहां कहां आप जा सकते हैं वहां टैक्सी चलाने का परमिट लेना है। बेहतर होगा आप ऑल इंडिया परमिट ले लें, बस ये करने के बाद आप अपनी टैक्सी चला सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी ऑपरेटर का बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। उसके बाद आपको टैक्सी खरीदकर उनका पूरा रजिस्ट्रेशन और परमिट लीजिए, अपने ड्राइवर रखिए और अपना बिजनेस शुरू कर दीजिए। सिक्स स्ट्रेटजी, डू मार्केटिंग ऑफ योर टैक्सी बिजनेस। अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। बिना मार्केटिंग के कोई भी बिजनेस सफल नहीं होता, इसलिए आपको अपनी टैक्सी बिजनेस की भी अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी ताकि ग्राहकों को आपकी सर्विस के बारे में पता हो और वो आपकी टैक्सी बुक करा सकें। जैसे कि आप 3 लोग पर 1 लोग का फीस फ्री कर सकते हैं, लेकिन वो तीनों एक ही घर के हों या एक ही साथ के हों
तो ऐसा नहीं कि आप कोई भी तीन लोग हों, आप उनमें से एक लोग का पैसा नहीं लिए, तो ऐसा नहीं करिएगा, नहीं तो महाभारत हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिन्हें आपको फॉलो करना है। फर्स्ट टिप्स, ऑफिस खोलें। वैसे तो आप इस बिजनेस को बिना ऑफिस खोले घर से भी कर सकते हैं अगर आप खुद अपनी एक टैक्सी चला रहे हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी ऑपरेटर बन रहे हैं तो इसका ऑफिस खोलें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन आदि के लिए अपनी ऑफिस की सजावट अच्छी रखें और अपनी सेवाओं के अच्छे पोस्टर लगवाएं, साथ साथ बाहर अच्छा सा बोर्ड लगाएं जिसमें आपके बिजनेस के नाम के साथ साथ सेवाएं भी लिखी हों। सेकंड टिप्स, विज्ञापन दें, मींस एडवर्टाइजमेंट। अपने लोकल अखबार में समय समय पर अपना विज्ञापन दें, जैसे कि अमूल देता है, हो सके तो किसी अच्छी जगह पर बोर्डिंग भी लगा के रखें। थर्ड टिप्स, वेबसाइट बनवाएं। आज बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके टैक्सी बिजनेस की वेबसाइट जरूर हो, जिसमें लोगों को काफ़ी सेवाओं के बारे में जानकारी के अलावा कौन सी टैक्सी आपके पास है और अलग अलग टैक्सी का कितना किराया है, वो सारी रेट लिस्ट भी उसमें रखें। अपना फ़ोन नंबर और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अपने वेबसाइट में जरूर दें। वेबसाइट बनाने में आपको एक रुपये का भी खर्च नहीं आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फोर्थ टिप्स, बिजनेस लिस्टिंग करें। अलग अलग दूसरी लोकल वेबसाइट पर भी अपने बिजनेस की लिस्टिंग फ़ोन नंबर के साथ करें। इसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग करने वाली कंपनी से मदद ले सकते हैं। फिफ्थ टिप्स, टैक्सी मेंटेन करके रखें। जो भी आपकी टैक्सी है उनकी मेंटेनेंस और साफ सफाई का बहुत ख्याल रखें। किसी भी कस्टमर के पास गंदी बदबूदार इंटीरियर वाली टैक्सी ना भेजें, हमेशा साफ सुथरी और अच्छी कंडीशन की गाड़ी भेजें। सिक्स टिप्स, व्यवहार अच्छा रखें। अपने बिजनेस में ईमानदारी से काम करें, चाहे आप हों, चाहे आपके ड्राइवर या स्टाफ, अपने कस्टमर से हमेशा अच्छा व्यवहार रखें और अच्छे से बातचीत करें, कस्टमर की प्रॉब्लम समझें और प्रॉपर रिड्रेस करें, साथ साथ अपने स्टाफ और ड्राइवर का भी ख्याल रखें। दोस्तों, इस बिजनेस में आप जितनी क्रेडिट या गुडविल बनाते जाएंगे उतना ही आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपका सेटिस्फाई कस्टमर बार बार आपकी टैक्सी बुक करेगा और कई लोगों को भी आपका कस्टमर बनवाएगा। इससे होगा ये कि एक दो गाड़ियों से शुरुआत करके आप धीरे धीरे बहुत बड़ी ट्रैवल एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। कई लोगों के ऐसे उदाहरण आपको पढ़ने को मिलेंगे जिन्होंने छोटे से शुरू कर आज काफ़ी बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो जो कुछ भी कमी आपको दिखी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।